आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो ऑक्सीजन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए महिला जुबान पे पलवानी, ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब देता दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूँ, पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे। तीन युद्ध लड़े हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। तीन युद्ध हुई है, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो, आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीर कर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका 3000 किलोमीटर की वो रास्ता बन रहे हैं। अब कुछ करके तो दिखाओ, मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर अपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, तो हम ये कहते हैं चुनाव कराने के पहले क्यों स्टेटूट नहीं दिया जाता, अब स्टेटूट दे दिया करो उसके बाद चुनाव कराओ। तब तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगेगी कि भाई हमारे बात थोड़ा बहुत सुना जाता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना भी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2024 साल के सितंबर महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये निर्देशित दिया गया कि चुनाव होना जरूरी है। हम लोग भी सर पिछले चर्चा में यही बात रखे थे कि चुनाव होना चाहिए, मतलब ये है कि विपक्ष जो कहते हैं बाद में सरकार उनको जानकारी लेते हैं, तो ये चुनाव जरूर होना चाहिए। और मैं ये सरकार को गुजारिश करूंगा, देर नहीं करना चाहिए, उतने देर क्यों, अगर सरकार चाहे, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट पे जाए, सरकार अगर इलेक्शन कमीशन को कहे, तो चुनाव पहले भी हो सकते हैं, चुनाव पहले क्यों नहीं कराया जाए, लोकसभा के साथ साथ वहां के चुनाव भी करा सकते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं कि हमें जब तक कोई नहीं कहेगा तब तक हमें चुनाव नहीं कराना, क्योंकि सदन के अंदर आपने कमिटमेंट किया था, हमारे गृह मंत्री ने सदन के अंदर एक कमिटमेंट किया था कि हम चुनाव कराएंगे, ये भी कमिटमेंट किया था हम स्टेटहुड भी देंगे एप्रोप्रिएट टाइम, तो हम ये कहते हैं चुनाव कराने के पहले क्यों स्टेटहुड नहीं दिया जाते, अब स्टेटहुड दे दिया करो उसके बाद चुनाव कराओ। तब तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगेगी कि भाई हमारे बात थोड़ा बहुत सुना जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज तो आप लोगों को निर्देश दे दिए हैं, तो आप घोषित कर दीजिए जी सदन के अंदर कि हम उतने देर नहीं बल्कि उसके पहले हम चुनाव कराएंगे। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किए हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि सारे मुद्दा एक साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीर कर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका 3000 किलोमीटर की वो रास्ता बन रही है। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है,
तो आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीएको को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे, सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। हम आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए, अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है, आपने कहा था। तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी के ओपन करने के कोई इरादा नहीं, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं, उस पे भी जो पीओ की है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, सर बात तो यह कि पीओ को तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओ के हमारे हाथ में आएंगे? बलवान पुरुष इसलिए पूछ रहा हूँ, ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन, आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, आपको याद है? इसके पीछे कारण क्या थी? और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता बनाए थे 1941 में, ए बिफोर दैट, एक साल पहले, जो फजलुल हक वो पुराना कागज पढ़ती हुई द मुस्लिम लीग हैड मूव। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने रिपोर्ट में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और 41 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए। आगे बढ़े, सिंध में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों आपने पार्टीशन की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो जवाब है आपके पास।